कोरोना वायरस से जहां पूरा देश दुनिया लगातार परेशान है, रीवा में भी अभी तक शहर के अंदर एक शांति थी, लेकिन कटरा मोहल्ले में एक पेशेंट मिलने के बाद यहां भी ये माना जा सकता है कि और पेशेंट भी मिल सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अक्षय मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की तारीख में अभी तक। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब तक यह खबर बन के आप तक जाएगी आंकड़े बदल भी सकते हैं, इसलिए इन ये आंकड़े अंतिम नहीं होते। अभी तक की क्या स्थिति है हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक की शहर की क्या स्थिति है, जिले की जरा आप बताएं। अभी तक हमारे पूरे जिले में करीब 55 केस डिटेक्ट हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उसमें से 38 लोग को हम लोग ठीक कर चुके हैं और उनका इलाज होकर वो घर जा चुके हैं। तो पॉजिटिविटी केसेस बढ़ रहे हैं, मगर उतने साथ ही रिकवरी भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारा ये आम जन से ये सलाह है कि एक तो घर में रहें, दूसरा ये है कि जितने भी एरिया हैं, हम लोग लगातार फीवर क्लिनिक चला रहे हैं, सभी जगह फीवर क्लिनिक चल रही है, एक नया ऐप भी स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग जिनको भी सर्दी जुकाम या इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं, वो ज़रूर स्वास्थ्य विभाग में जाके या स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना जांच जरूर कराएं। अस्पताल में कितने लोग क्वारंटाइन किए गए, कितने लोग पॉजिटिव हैं उनका, जिनका इलाज चल रहा है? अभी एडमिटेड करीब 12 लोग एडमिटेड थे जो हमारे उसमें हैं, और अभी ये जो 4 आ जाएंगे तो थोड़े केसेस 4-16 के करीब केसेस एडमिटेड हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जहां एक और रीवा में कोरोना को लेकर सन्नाटा था, आज की तारीख में अभी दोपहर का वक्त है, शाम तक ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, 16 लोग संक्रमित हैं जिनका इलाज रीवा के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में किया जा रहा है।